दोस्तों आज की कहानी है सासु माँ। सारा दुख और सुख बहुओं के हिस्से में ही क्यों आता है? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधा ऑफिस से आई ही थी कि मोबाइल की घंटी बजती है। अपनी सास का फोन देखकर उसका माथा ठनका जाता है। जरूर कुछ बुरी खबर होगी तभी मुझे फोन किया है, वरना उसकी सासू माँ कमला जी उसे कभी फोन करके हाल साल भी नहीं पूछती है। मम्मी जी प्रणाम, सुधा ने फोन उठाते ही कहा, खुश रह, बस एक तू ही है जो अभी है। तेरी ताई सास पर तो दुखों का पार टूट गया है। तेरे ताऊ ससुर की अभी मौत हो गई है और तुझे आना जरूरी है। घर की बहू है और मरण मौत में इतने काम रहते हैं। सामान पैक कर ले और बच्चों को भी ले आ। पूरे 15 दिनों तक यहीं रुकना होगा। उनकी बात भी खत्म ना हुई और सुधा बोल पड़ी कि मम्मी जी मेरा तो ऑफिस है और कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं उसे पूरी करके शनिवार को आ जाऊंगी और बच्चों के भी अभी यूटी चल रहे हैं, मैं विनीत को भेज देती हूँ, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। सुधा की बात सुनकर कमला जी का पारा चढ़ गया है। भगवान ना जाने कैसा जमाना आ गया है, घर में मौत हुई है और घर की बहू को मीटिंग और बच्चों की पड़ी हुई है। तुझ में जरा भी शर्म नहीं है क्या? लोग नाते रिश्तेदार सब बातें बनाएंगे, तुझे हर हाल में आना है। विनीत 2 दिन बाद आ जाएगा, वो बच्चों की परीक्षा दिला देगा। और वो ने फोन पटक दिया। सुधा वैसे ही ऑफिस से थकी हुई आई थी, उसका दिमाग सकरा रहा था, फिर भी उसने चाय बनाकर पी और विनीत को फोन लगाने वाली ही थी कि विनीत ने घंटी बजाई। विनीत सामान्य होकर घर के अंदर आए। आपको तो समाचार मिल हो गए होंगे कि ताऊ जी अब नहीं रहे, विनीत आरसी से बोला। नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। हाँ, आरसी तो मुझे होता है, जब भी किसी की सगाई और शादी की खबर होती है आपकी मम्मी आपको शुभ समाचार देती है, और जब भी कुछ बुरा होता घर में किसी की मौत होती है आपकी मम्मी मुझे फोन करती है। आखिर क्यों आपके ताऊ जी की मृत्यु हुई है तो आप को पहले वहां जाना चाहिए। आपका खून का रिश्ता है, आपने बचपन से उनको देखा है, आपको उनका प्यार मिला है तो आपको उनके अंतिम दर्शन जरूर करने चाहिए। पर आपकी मम्मी तो मान है, मुझे पहले बुला रही है। घर के बेटे को पहले जाना चाहिए या घर की बहू को? विनीत कुछ ना बोल सका क्योंकि कमला जी अक्सर यही करती है। सुधा ने अपनी बात जारी रखी। वहां दो सासी सासे दोनों मेरी बड़ी जेठानी है, मम्मी जी खुद है, फिर भी मेरा वहाँ जाना जरूरी है क्या? मैं 2 दिन बाद जाने को बोल रही हूँ, वैसे भी मेरा वहाँ काम ही क्या है। देखिए मैं पिछली वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। पहले जब सासा जी की मृत्यु हुई थी मम्मी जी ने जिद करके बुला लिया था। जब मैं उनके घर पहुँची तो मुझे डांट दिया कि बहू ऐसे नहीं आती है, पल्ला लेकर आती है। मैंने पल्ला लिया तो वह बोली कि पल्ला लेना मतलब जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना होता, और तुम तो रोई नहीं, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अब मुझे क्या पता था घर में पहली मौत थी और मुझे इस तरह रोना भी नहीं आता है। ये तो पहले के जमाने की महिलाएं करती थी। वह 15 दिनों में मैंने देखा कि जो भी रीति रिवाज होते वह बहू पर ही लागू होते हैं। बेटे आधा आजाद होकर बाहर घूम रहे, बेटे लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे हैं, बाजार आ जा रहे हैं, सभी बंधन बहुओं पर ही है। बहुएं बाहर नहीं जा सकती, ऑफिस का काम भी लैपटॉप पर नहीं कर सकती, सिर से पल्लू हटा नहीं सकती, हंस बोल नहीं सकती, अच्छा खाना खा नहीं सकती, बहुएं बिंदी नहीं लगा सकती, बालों में कंघा नहीं लगा सकती, बहुएं बिस्तर पर सो नहीं सकती, बेटी को भी सब आजादी
हैं, वो कुछ भी पहन सकती हैं, सारे बाजार घूम सकती हैं, दिन भर बैठकर बहुओं पर हुकूम चला सकती हैं। और बेसारी बहुएं जिनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, 15 दिनों में रिवाजों के नाम पर 10 तरह के स्नान करती हैं, सारा शौकिया बहुओं के हिस्से में ही आता है। घर के बेटे बेटी पर कोई नियम लागू नहीं होता, खुशी के काम में बेटे बेटी ही आगे रहते हैं, पर घर में किसी की मौत हो तो बहू को ही दूरी बनाकर सब उस पर थोप क्यों दिया जाता है। वैसे भी यह बहू के पास रसोई के अलावा कोई काम नहीं होता है, वो 15 दिनों तक उसकी अवगत करती रहे, क्या सारा दुख या शोक बहुओं के हिस्से में ही आता है। ये भी आरसीय का विषय है कि शोक उठाने भी बहुएं ही मंदिर जाती हैं, घर के बेटे और बेटी को कोई शौक ही नहीं होता है। क्या बेटियां उस घर के आंगन में पलती हैं, उस घर से उसका खून का रिश्ता होता है, क्यों उसका कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं होती। मैं मानती हूँ बहुएं भी उसी घर का हिस्सा बन जाती हैं, पर सारे शौक का भार अकेली बहुएं ही क्यों उठाए, हद तो तब हो जाती हैं जब बहुओं के मायके से रिवाज के नाम पर खाना मंगवाया जाता है, उसमें भी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर भेजी जाती है। हर जगह या तो बहुएं जलती है या फिर उसके मायके वाले मैं इस बार अपने मायके वालों को परेशान नहीं करूंगी। विनीत ने सुना और फैसला किया कि तुम यही रुको, मैं निकलता हूँ और तुम अपने ऑफिस का काम करके और बच्चों की परीक्षा करवा के 2 दिन बाद आ जाना। सुधा के चेहरे और मन का तनाव दूर हो गया, आखिर ससुराल वाले समझे या ना समझे, पर उसके पति ने उसे अच्छी तरह से समझ लिया था।